एक बड़े रैली का दिल्ली में आयोजन किया जा रहा था, जिसको जयपुर शिफ्ट किया गया है। और इसलिए आज प्रभारी मंत्री जी 3 तारीख को जो इनकी मीटिंग हुई थी वेणुगोपाल जी के, मुख्यमंत्री जी के, डोटाश्री जी के अध्यक्षता में, और हर जिले के जो टारगेट दिए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा विश्वास हमें जो टारगेट आप चुरू जिले के लिए वहां से लेके आएंगे, हम उस टारगेट को पूरा करके हमारे जिले से ज्यादा लोग वहां पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा कि अभी हाजी जी कह रहे थे कि पिछली बार अमृतों की बात मेरे लिए थी, तो जो टारगेट था उससे भी ज्यादा जिला पूरे राजस्थान में बन रहा था, सबसे ज्यादा लोग यहाँ से लेके गए थे। और इस बार भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, चुरू जिले का प्रतिनिधित्व है, कम नहीं रहेगा। और हम विशेष रूप से सुजानगढ़ की बात करूँ तो जो सुजानगढ़ में हमें जो लक्ष्य आप लोग जो देंगे, जो निर्धारित करेंगे, हम उस लक्ष्य से ज्यादा ही हमारी तरफ से कोशिश करके उस मीटिंग में ले जाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। यह मीटिंग महंगाई के खिलाफ रखी गई, विशेष तौर से डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है उसके खिलाफ। तो अपन जानते हैं आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, 75 बार बताने जा रहे हैं, पर इस तरह के 7 साल अपन ने कभी नहीं देखे कि जिस तरह से महंगाई इन 7 सालों में बढ़ी। विशेष तौर से जो एक आर्थिक मंदी जो ये लेके आए हैं, जो कृषि क्षेत्र में इतनी ऋणात्मक जीडीपी कभी नहीं आई। पहले बार देखने का आया बजट साल में कि जीडीपी भी 25% माइनस चली गई, जो आज तक कभी नहीं। तो आपने आर्थिक नीतियों को दबाने के लिए, जो कमजोरी है उसको दबाने के लिए, कृषि की क्या हालत है अपन जानते हैं, 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं, जो इनकी नीतियां जिनके दुष्प्रमाण से आज इनका सरकारी खजाना जो खाली हो रहा था उसको भरने के लिए 1 सूत्री कार्यक्रम चला रखा है, उसकी कमी पूर्ति कर लिए। तो पेट्रोल डीजल को घटाए जाओ, हर दिन सुबह 6 बजे एक मैसेज आता है पेट्रोल पंप वालों के पास, उस मैसेज में लिखा है आज इतने पैसे बढ़े, 24 घंटे बाद दूसरे दिन 6 बजे फिर मैसेज। और उससे आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो